हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ गेट। आइए देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन जो गेट 2019 मैकेनिकल ब्रांच में आया है और ये क्वेश्चन भी लीनियर एलजेब्रा से आया है। राइट, द क्वेश्चन इज इन द मैट्रिक्स इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल्स टू आर, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 484, 816 माइनस 4, 4 माइनस 4, 15, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 एंड एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 214 जिसका ऑर्डर है 3x1 एंड आर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 32, 16, 64 जिसका ऑर्डर है 3x1। मतलब यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 रोज 1 कॉलम है और यहाँ पे 3 रोज और 1 कॉलम गिवन है। ओके, देन व्हाट वी हैव टू डू, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आपसे पूछ रहा है, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज व्हाट, और ऑप्शंस हमारे पास में है ए बी सी डी। एक बेसिक सी मैट्रिक्स हमें गिवन है ए एक्स या ए एक्स इज इक्वल्स टू आर। हम जानते हैं स्टूडेंट्स ए एक्स इज इक्वल्स टू आर या ए एक्स, ये जो गिवन मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स एक्स इनटू मैट्रिक्स आर, राइट, ये रिलेशन हमारे पास में है ए एक्स इज इक्वल्स टू आर है। वॉट इज ए एंड वॉट इज एक्स एंड वॉट इज आर, हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास में है 484, 816 माइनस 4, 4 माइनस 4 एंड 15। एक्स हमारे पास में है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल्स टू 2, 1 एंड 4 एंड मैट्रिक्स आर इज इक्वल्स टू गिवन है 32, 16 और 64। राइट, ये जो 32, 16 और 64 है, अगर हम चाहें स्टूडेंट्स तो हम इसमें से 32, 16 और 64 में से 16 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने इसमें से 16 कॉमन लिया थ्रू आउट तो यहाँ रह जाएगा कितना, यहाँ रह जाएगा 2, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा 4। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अगर जैसे ही मैंने इसको ऐसा लिखा, क्या ये मैट्रिक्स इस फॉर्म की बन रही है, ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। हम जानते हैं एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। उस ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो को ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ मैंने लिखा ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स। वॉट इज ए, ए ये गिवन मैट्रिक्स है। वॉट इज एक्स, एक्स ये वाली मैट्रिक्स है। वॉट इज लैम्डा, लैम्डा मीन्स आइगन वैल्यू। और वॉट इज एक्स, एक्स अगेन ये वाली मैट्रिक्स है। तो मतलब ये x वाली वैल्यू और ये x वाली वैल्यू सेम होगी, और जो कि आपको दिख भी रही है, इस क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर बता सकते हैं। इसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं करना है आपको, शायद पेन भी चलाना नहीं पड़े अगर आप ठीक से ऑब्जर्वेशन करें। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, ये x है और ये x है, ये मुझे क्लियर दिख रहा है। ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए क्योंकि ये मुझे r की फॉर्म में गिवन था, तो मैंने r में से 16 कॉमन ले लिया और ये इसके बाद मेरे पास बन गया x के फॉर्म में। इट मीन्स ये बन गया a, ये बन गया x और ये बन गया वापस x। अगर ये a है, ये x है और ये x है, तो ये क्या बनेगा, ये लैम्डा बनेगा। व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा मीन्स होता है आइगन वैल्यू। और मुझे क्वेश्चन ऐसे ही तो बोल रहा है कि वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज व्हाट। अगर ये ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स के फॉर्म में, जहां a हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, x हमारा वेरिएबल्स होता है, वापस x हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, तो लैम्डा क्या होता है उस केस में, लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू होती है। राइट, तो बहुत क्लियर मुझे विजिबल है कि ये लैम्डा की वैल्यू यहां पे कितनी आनी चाहिए, 16 आएगी। सॉरी, यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। क्लियर विजिबल है लैम्डा की वैल्यू 16 आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज किया गया है। ए एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो को भी आप यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,